हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे मल्टीग्रेन उपमा बनाएंगे। आप तो उपमा बहुत बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन इस तरह से कभी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये है ओट्स। अब हम इसमें 1 कप ओट्स डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप जो रवा है ना, सूजी जिसे कहते हैं, अब हम इसको भी डाल देंगे। अब इसको हम इस तरह से रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर के हो जाए, तब हम इसको निकाल देंगे। इस तरह से हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। देखिए, अब ये थोड़ी सी कलर चेंज हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें जीरा सरसों डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और करी लीव्स डाल देंगे, जिसे हम कड़ी पत्ता कहते हैं। इसके बाद हम इसमें मूंग दाल डाल देंगे। एक कच्ची मूंग दाल है, इसको हम डाल देंगे। एकदम लो फ्लेम करके हम इसको डालकर हम इसको थोड़े से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप ओट्स और 1 कप रवा लिया है। टोटल 2 कप है, इसलिए मैंने 4 कप पानी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। इसके बाद हम जो रबा और ओट्स को रोस्ट करके रखे थे, इसको इस तरह से हम धीरे धीरे करके डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कवर करके छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब हमारा जो ओट्स और रवा के उपमा एकदम बनकर रेडी हो गई है। आप इस तरह से एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बिना प्याज लहसुन में आज हम बनाया है। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। आप तो उपमा बहुत बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, इतनी टेस्टी लगती है। आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। आप लोग एक बार इस तरह से बनाइए। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।